आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में, मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बुधवार दोपहर तक जिले में नहीं आया कोरोना पॉजिटिव का कोई नया मामला, एक्टिव केसेस हुए 9। किसानों के रेल रोको आंदोलन को लेकर जिला पुलिस हुई सतर्क। आधार कार्ड नहीं है तो भी मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं, ला सकते हैं कोई भी पहचान पत्र। बसंत ऋतु का हमारे जीवन में होता है महत्व, कहा संदीप सिंह ने मनाया बसंत पंचमी पर। हलवासिया विद्या विहार में चल रहा फिट हलवासिया फिट इंडिया अभियान, बच्चों को दिया जा रहा है जूडो प्रशिक्षण। भिवानी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को भी वैक्सीनेशन किया गया और कोरोना जांच के लिए अनेकों सैंपल्स ले जांच के लिए भेजे गए। अब तक यहां आए कुल 6,335 केसेस में से 6,181 ठीक हो चुके हैं। वहीं एक और व्यक्ति के ठीक होने के बाद अब यहां एक्टिव केसेस की संख्या 9 रह गई है। बुधवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया, जबकि एक कोरोना पॉजिटिव ठीक हुआ। इसी के साथ जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या 9 हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में कोरोना के कुल 6,335 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 6,181 ठीक हो चुके हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का कहना था कि अब कोरोना के केसेस बेशक कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। किसानों द्वारा पूर्व निर्धारित घोषणा रेल रोको अभियान को लेकर जिला पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई, कुछ ऐसा ही कहना था डीएसपी वीरेंद्र सिंह का। उन्होंने कहा कि आंदोलन के चलते जीआरपी और आरपीएफ को विशेष दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं लोहारू और सिवानी पुलिस भी अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों द्वारा घोषित रेल रोको आंदोलन को लेकर जिला पुलिस पूरी तरह से तैयार हो गई है। अधिक जानकारी देते हुए डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि किसानों द्वारा आगामी 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन घोषित किया गया है, जिसे लेकर पुलिस विभाग पूरी तरह से अपनी तैयारी कर चुका है। उन्होंने बताया कि हालांकि किसानों द्वारा दिए गए आंदोलन के समय में कोई भी पैसेंजर ट्रेन भिवानी से नहीं आती जाती है, फिर भी उन्होंने जीआरपी और आरपीएफ को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं। यही नहीं, भिवानी के साथ साथ लोहारू और सिवानी पुलिस भी अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इन सबके साथ साथ वे किसान नेताओं के साथ भी बातचीत कर चुके हैं और किसान नेताओं ने भी अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने की बात कही है। कल के जो किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों द्वारा रेलों को का जो आह्वान किया गया है, उसके अंतर्गत हमारे जिला भिवानी में जो प्रस्तावित जगह तक मालूम है ये वो 4 स्थान है। एक तो है प्रेम नगर और सुई जो फाटक है उसके ऊपर, दूसरा बामला में, तीसरा सिवानी में और चौथा लोहारू में। तो इन चारों स्थानों के ऊपर पर्याप्त पुलिस बल हमारे जिला पुलिस का भी तैनात नियुक्त कर दिया गया है और जीआरपी और आरपीएफ जो हमारे हिसार के लगती हैं, दादरी के लगती हैं, उन दोनों थानों से भी हमने समन्वय करके उनकी भी पुलिस फोर्स वहाँ लगा दी है। बाकी जो हमारे भिवानी का रेलवे स्टेशन है, भिवानी खेड़ा का रेलवे स्टेशन है या लोहारू का या सिवानी का रेलवे स्टेशन है, उन सभी रेलवे स्टेशनों पर भी उपयुक्त पुलिस बल लगाया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई अवांछनीय तत्व किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचे। भारत में कृषि कानून को वापिस लेने के संबंध में भारतीय किसान यूनियन द्वारा रेल रोको आंदोलन के उसके लिए उन्होंने कॉल किया है, जो कल दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक का समय रहेगा। इस दौरान हमारे द्वारा पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं, जवानों की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं
और जिला पुलिस की भी ड्यूटियाँ लगी हुई। नेताओं से बार बार बातचीत की जा रही है, जिन्होंने बताया कि हम शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन करेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना घटने को उम्मीद नहीं है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं भी है तो आपका इलाज नहीं रुकेगा, यह कहना था मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सपना गहलावत का। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार गंभीर स्थिति में लाए गए मरीज के पास कोई भी पहचान पत्र हो ताकि उसका रिकॉर्ड पूरा किया जा सके। फाइल का कार्य इलाज शुरू होने के बाद भी किया जा सकेगा। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले लोगों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, ये बात काफी लोगों के जहन में हमेशा रहती है। प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किए जाने के बाद भी लोग इस संदर्भ में असमंजस की स्थिति में रहते हैं। लोगों को इस असमंजस की स्थिति से निकालने के लिए भिवानी हलचल की टीम पहुंची सामान्य अस्पताल और इस बारे में बात की सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत से। क्या है सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए पहचान पत्र संबंधी जरूरी दिशा निर्देश, आइए सुनते हैं। तो भिवानी सिविल हॉस्पिटल या सरकारी अस्पताल में दिखाने के लिए मरीज आते हैं, उनके लिए निर्देश दिए गए थे सरकार की तरफ से कि वो अपना आधार कार्ड साथ लेकर आएं ताकि एक यूनिक आईडी उनकी जनरेट हो सके, क्योंकि आधार कार्ड पे उनकी सारी डिटेल्स अंकित होती हैं, जिससे कि मरीज को भी आसानी रहती है अपना नाम उम्र पता बताने में, और जो सरकारी सुविधाएं हैं वो भी उन्हें आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। कई बार जो मरीज़ के अटेंडेंट्स आते हैं वो पर्ची कटवाने जाते हैं, साथ में आए हुए लोग मदद के लिए आते हैं तो वो पर्ची कटवाते हैं, कई बार उनको उनका असली नाम नहीं पता होता, घर का नाम बता देते हैं, तो फिर पर्ची में थोड़ी सी दिक्कत आती है नाम चेंज होने में। इस वजह से ही आधार कार्ड का जो था ये ज़रूरी किया गया था कि आप लेकर आएँ, पर यदि कोई आधार कार्ड नहीं लेकर आता है तो ऐसा नहीं है कि उसकी पर्ची नहीं कटेगी या उसको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। तो सभी जो नागरिक हैं वो ये सुनिश्चित ज़रूर करें कि कोई ना कोई अपना पहचान पत्र साथ लेकर आएं, जिससे कि उनका नाम उम्र एड्रेस और फ़ोन नंबर्स जो हैं वो सही अंकित हो जाएँ। कई बार बताने में बोलने में भी कुछ गलत अंक लिखा जाता है ओपीडी कार्ड पर, तो जब रीएम्बर्समेंट की बातें आती हैं या फिर कोई आपको बीपीएल कार्ड की सुविधाएं लेने की पड़ती हैं, जो उस टाइम में आपको लगता है सिर्फ ₹5 की पर्ची कट रही है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं लगती, आप ₹5 कटवा लेते हैं, लेकिन जब आगे चल के उसकी जब पैसे ज़्यादा लगने लगते हैं डायग्नोस्टिक्स में और बाकी दवाइयों में, तब उनका ये कराना पड़ता है चेंज कि हम बीपीएल हैं। इस वजह से अगर अपना कोई पहचान पत्र साथ लेकर आए तो ये सभी के लिए अच्छा रहेगा। विद्यालय खुलने के बाद कोरोना का यहाँ कोई भी मामला नहीं आया है, लेकिन फिर भी सरकार पहली से पांचवी कक्षा तक के स्कूल्स खोलने की इजाजत नहीं दे रही है, यह कहना था प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राम अवतार शर्मा का। उनका कहना था कि 20 तारीख को राज्य स्तरीय बैठक में पहली से पांचवी कक्षा तक के स्कूल्स खोलने के बारे में गंभीरता से विचार किया जाएगा। आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा विजयनगर स्थित हैप्पी हाई स्कूल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्राइवेट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राम अवतार शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि स्कूल एसोसिएशन द्वारा 20 तारीख को स्थानीय वैश मॉडल स्कूल में एक राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पहली से पांचवीं तक स्कूल खोलने के बारे में गंभीरता से चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद अब सब कुछ सामान्य है, लेकिन कोरोना वायरस का बहाना बनाकर सरकार ने कक्षा पहली से पांचवी के स्कूल खोलों को नहीं खोले हैं। एसोसिएशन के प्रयासों से सरकार ने 9 से प्लस टू के स्कूल लगाए, उसके बाद 6 से प्लस टू के स्कूल लगाए। हमारे हरियाणा में ज्यादातर स्कूल छोटे स्कूल है, बजट स्कूल है, जो नर्सरी क्लास से लेके पांचवी क्लास तक के, हमारी जो संख्या है वो नर्सरी क्लास से पांचवी क्लास तक की है। सरकार कह रही है कि नया सेशन से हम स्कूल खोलेंगे 1 अप्रैल से, नया सेशन हमारा 1 अप्रैल से स्कूल खोलेंगे, तो जो ये सेशन है हमने जो बच्चों को एजुकेशन दी है, सरकार अपने गवर्नमेंट स्कूलों को नए सेशन से खोले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने अपने विद्यार्थियों को अपने स्टूडेंट को हमने ऑनलाइन एजुकेशन दी है, और हम उन बच्चों को इन 2 महीने में स्कूल में बुला के उनका हम एग्जाम लेके और अगली क्लास में उसको प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने बच्चों को पढ़ाया है, बच्चा पढ़ता है और क्वालिटी के हिसाब से वो प्रमोट भी होता है, उसको
सारा परसेंटेज का मामला होता है। आज परसेंटेज पे बच्चा टिका है, किसी बच्चे की कम आती है तो उसको दिक्कत होती है। तो हम ये नहीं चाहते कि बिना हम कोई परीक्षा लिए, बिना बच्चे का आकलन किए हम उसका रिजल्ट घोषित कर दें। हमारे हरियाणा के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्टेट लेवल पे एक फैसला करके भिवानी में 20 फरवरी को सुबह 11 बजे वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक प्रदेश सत्र की बैठक, बड़ी बैठक जिसको हम कह सकते हैं, वो बड़ी बैठक हमने बुलाई है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद अब सब कुछ सामान्य है, लेकिन कोरोना वायरस का बहाना बनाकर सरकार ने कक्षा पहली से लेकर पांचवी तक के स्कूलों को अभी नहीं खोला है। ऐसे में निजी स्कूल संचालकों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि पहले सरकार ने 15 फरवरी से स्कूल खोलने की बात कही थी, लेकिन अब अपना बयान पलटते हुए सरकार ने कहा कि आगामी 1 मई से सत्र शुरू किया जाएगा। बजट स्कूल खत्म हो चुके हैं पूरी तरह से, क्योंकि हम बच्चों के बच्चे की शिक्षा के साथ साथ 10-20-30 परिवारों को रोजगार भी हमारे स्कूलों से चलता है, उनको अपने रोजगार भी दे रखा है। आज वो कंगाली के कागार पर, आज वो भुखमरी के कागार पर है, क्योंकि वेतन उनको कैसे मिलेगा? पेरेंट्स हमें फीस नहीं देना चाहता, टीचर्स को या हमारे जो फोर्थ क्लास है उनको वेतन कहाँ से देंगे? अगर वेतन नहीं मिलेगा वो कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करते। तो इसलिए इन स्कूलों को खोलना चाहिए। ये हमारी मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से अभी मिले थे 5 दिन पहले शिक्षा मंत्री जी से हमारे फेडरेशन का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था, जिसमें भिवानी के विधायक घनश्याम जी भी हमारे साथ थे। शिक्षा मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम स्कूल खोलेंगे, 15 फरवरी से हम स्कूल खोलेंगे। हम मिले उनसे 12 तारीख को 11 तारीख को, अगले दिन उनकी स्टेटमेंट आ जाती है कि नया सत्र में हम स्कूल खोलेंगे। बसंत पंचमी का पावन पर्व प्रतिवर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। स्थानीय हनुमान जोहड़ी धाम में इस अवसर पर त्रिवेणी एवं पंचवटी के पेड़ पौधे लगाए गए। यही नहीं, इन पेड़ पौधों को बचाने का संकल्प भी यहां लिया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता संदीप सिंह ने विशेष रूप से पहुंचकर शिरकत की। स्थानीय हनुमान जोड़ी मंदिर धाम परिसर में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट व नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृत सेवा समिति के द्वारा बसंत पंचमी का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर त्रिवेणी, पंचवटी और लगाए गए पेड़ पौधों को बचाने का संदेश भी दिया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से कांग्रेसी नेता संदीप सिंह ने शिरकत की और कार्यक्रम की अध्यक्षता बाल योगी महंत चरण दास ने की। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि बसंत ऋतु का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है और आज के दिन मौसम का परिवर्तन होता है। ये दिन केवल बसंत ऋतु के साथ ही नहीं बल्कि बलिदान के साथ भी जुड़ा हुआ है। इस दिन वीर हकीकत राय को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं और उनके त्याग और बलिदान को याद किया जाता है। दिवस एक प्रकार से बसंत पंचमी है। बिल्कुल, बसंत पंचमी का ये पर्व अपने आप में प्रकृति के सजावट का एक दिन है। इसको हम मनाते हैं, देखते भी हैं प्रकृति कितनी सजी हुई है। हर किसान खुश है क्योंकि फसलों का पकाव भी हो रहा है और ऋतु परिवर्तन भी है। तो इस प्रकार से हमने भी इस मुहिम को, क्योंकि प्रकृति का सजावट, प्रकृति का सौंदर्यीकरण बना रहे, उसके लिए हमने पौधारोपण भी करना चाहिए, पेड़ों को बचाना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण तभी हो सकेगा। तो प्रकृति को बचाना, प्रकृति को फलीभूत करना, प्रकृति को संवारना हम सब की एक जिम्मेवारी है। हाँ बिल्कुल, ये व्यवसायियों के शुभ लगन कार्यक्रम भी जो हो रहे हैं, अब उत्साह है, इसमें भी लोग अपने अपने तरह से उत्साह मना रहे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत स्थानीय हलवासिया विद्या विहार में इन दिनों आत्मरक्षा और सुरक्षित स्वास्थ्य से संबंधित जूडो का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विद्यालय में प्रतिदिन सुबह प्रशिक्षिका संजू लता द्वारा खान पान के विषय में दिनचर्या, स्वास्थ्य, शरीर और आत्मरक्षा के गुर बताए जाते हैं, जिसकी अभिभावकों द्वारा विशेष प्रशंसा भी की गई है। स्थानीय हलवासिया विद्या विहार में फिट हलवासिया फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रतिदिन सुबह प्रशिक्षिका संजय लता के सानिध्य में जूडो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे बच्चे शारीरिक व्यायाम के साथ साथ आत्मरक्षा के गुर भी सीख रहे हैं। अभिभावकों द्वारा भी विद्यालय की इस पहल की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। कोविड-19 के चलते विद्यार्थी अभी अभी विद्यालय आने लगे हैं, इसलिए विद्यार्थियों में भी इस प्रशिक्षण को लेकर काफी उत्साह है। प्रशासक दीवान चंद रहेजा ने कहा, इस प्रशिक्षण से छात्रों में स्वाभिमान आता है, अभ्यास से गति, सहन शक्ति, शक्ति और दृढ़ता का निर्माण भी होता है। नगर के अनेक संगठनों ने स्थानीय नेहरू पार्क के सामने स्थित सैनी धर्मशाला में एकत्रित होकर
भिवानी में कर्पूरी ठाकुर का स्मारक बनाए जाने की मांग की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित भी किए गए। बुधवार को नेहरू पार्क के सामने से सैनी धर्मशाला में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा पिछड़ों के मसीहा व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जन नायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय कुम्हार सभा, सैन जागृति एवं जन कल्याण मंच, बसपा के सदस्यों द्वारा कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उपस्थित सदस्यों ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कर्पूरी ठाकुर महान शिक्षक, स्वतंत्रता सेनानी और महान राजनीतिज्ञ थे। बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने शोषित समाज के लिए अनेकों कार्य किए। आज जिस सामाजिक न्याय की चर्चा पूरे देश में हो रही है, उसे उत्तर भारत में विकसित करने का श्रेय कर्पूरी ठाकुर को जाता है। इस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद सभी लोगों को कर्पूरी ठाकुर के जीवन से शिक्षा लेकर चलने का आह्वान भी किया और साथ ही सभी सदस्यों ने एक स्वर में भिवानी में कर्पूरी ठाकुर का स्मारक बनाए जाने की सरकार से मांग की। विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर श्रद्धा समर्पित किए गए हैं। कर्पूरी ठाकुर एक व्यक्तित्व, एक विचारधारा, उन्होंने शोषित और वंचित लोगों के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिताया है और मुख्यमंत्री रहते हुए एक आम आदमी की जिंदगी उन्होंने जी, जो एक सबसे बड़ा उदाहरण है। आज की राजनीति में ऐसे उदाहरण देखने को नहीं मिलते हैं। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि पर सभी संगठन के और सभी समाज के लोग यहाँ पर उनको कुछ स्वागत करने के लिए पहुँचे हैं। उन सबको मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने हमेशा पिछड़ों की आवाज़ को उठाया है और हमेशा से उनको ऊपर उठाने का उन्होंने कार्य किया है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम इस सदी के महानायक आदरणीय कर्पूरी जी ठाकुर जी की पुण्यतिथि के ऊपर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बैकवर्ड समाज, ऐसी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी श्री कर्पूरी ठाकुर हमेशा इतिहास के अंदर एक विजेता, एक जननायक के रूप में जाने जाएंगे। इन्होंने जो काम किया है वो सभी जातियों को साथ लेकर स्वर्ण, दलित, पिछड़े, एससी, एसटी सभी के हित के अंदर इन्होंने प्रस्ताव पास करके सबको साथ लेके समतामूलक संदेश का पैगाम दिया है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बुधवार दोपहर तक जिले में नहीं आया कोरोना पॉजिटिव का कोई नया मामला, एक्टिव केसेस हुए 9। किसानों के रेल रोको आंदोलन को लेकर जिला पुलिस हुई सतर्क। आधार कार्ड नहीं है तो भी मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं, ला सकते हैं कोई भी पहचान पत्र। बसंत ऋतु का हमारे जीवन में होता है महत्व, कहा संदीप सिंह ने मनाया बसंत पंचमी पर। हलवासिया विद्या विहार में चल रहा फिट हलवासिया फिट इंडिया अभियान, बच्चों को दिया जा रहा है जूडो प्रशिक्षण। हमारे संग में बस इतना ही, अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।